नमस्ते दोस्तों, दोस्त से एक देसी जुगाड़ बनाने जा रहे हैं उड़द और धान उड़ाने के लिए। ये देखिए, मैं पंप को खोल दिया हूँ और मैं आपको ये देखिए लॉक लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ रहेगा ऐसा ही। और ये पंप देखिए, एक पंप का जो ख़राब शाफ्ट है, ये ख़राब शाफ्ट निकाला हुआ था, इसी को मैंने इसमें फिट कर दिया है, वही MK12 इंजन का है। और ये जो हमारा रेडिएटर में जो फ़ैन लगता है ना, 5 HP या 10 HP इंजन में, उसी का ये फ़ैन है डीजल इंजन का। और ये फ़ैन को हमने ये उड़द और धान उड़ाने के लिए, ये जो नीचे जो उसका बेस है ना, उसको पलटना पड़ेगा, नहीं तो फ़ैन लगेगा उसमें घूमने का टाइम। अभी ये जो है हमें उसको उल्टा करना पड़ेगा। अभी हम चारों बोल्ट खोलेंगे, इंजन का जो चारों बोल्ट नीचे लगा हुआ है, उसके जो एंगल में लगा हुआ है, उसको खोलेंगे और उसको पलटी कर देंगे। पलटी करने के बाद फैन फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये भी बनाना बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, आपको इतना तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जो हाथ में घुमाते हैं ना जो फैन को, उसमें तो बहुत तकलीफ होता है फैन घुमाते घुमाते। अब आप भी इसमें, आपके पास मोटर भी अगर है तो ऐसा एक बना के आप लगा सकते हैं, नहीं तो 1 HP का इलेक्ट्रिक मोटर भी आपके पास होगा, उसमें भी आप ये फैन लगा सकते हैं, उससे बड़ा फैन भी लगा सकते हैं। मैं एक आपको बड़ा फैन भी बना के दिखाऊंगा, वो बड़ा फैन कैसा लगता है। ये तो बहुत छोटा है उसका, ये तो 1 फुट का है फैन, वो मिनिमम 2 फुट का है। जो ट्रक में जो फैन लगता है ना रेडिएटर में, वो फैन मैं आपको एक बार मशीन में लगा के फिट करके दिखाऊंगा। ये हम चारों बोल्ट को खोल देते हैं। दोस्तों ये जो चारों बोल्ट है ना यार, ये खोलने में तकलीफ होगा, इसीलिए मैंने काट दिया हूँ उसको बीच में, जो बहुत बहुत टाइम लिया था, 33 मिनट का वीडियो हुआ था, मैं इसी को 9 मिनट में कर दिया हूँ। ये हम उसको पलटी कर चुके हैं, अभी देखते हैं, अभी ये दो चारों बोल्ट को कस देते हैं। दोस्तों बहुत ज़ोरों से हवा आता है इसमें, मिनिमम 30 फुट तक ये हवा जाता है, 15 फुट तक तो वो तेज़ी से हवा देता है, बाकी आप जाके 30 फुट के दूर अगर खड़े रहोगे तो आपको भी महसूस होगा हाँ ये इतना दूर हवा देता है। मैं आपको उसको करके भी दिखाऊंगा, स्टार्ट करके भी मशीन को दिखाऊंगा। ପଡ଼ପାଟ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦୁର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ସଡ଼ୁ ଘର ଯେଉଁ ସୁଶୀଳ चारों बोल्ट को हम फिट कर चुके हैं, अभी उसका पंप लगाते हैं। पंप थोड़ा टाइट होता है, जाता नहीं, वो जो शाफ्ट है पुराना शाफ्ट है इसीलिए जाता नहीं।
धीरे धीरे दोस्तों जा रहा है, ये पूरा भी अंदर तक चला जाएगा। अभी उसका जो इम्पेलर को टाइट करने के लिए जो बोल्ट है, वो बोल्ट को मैं पंप से खोल के ला रहा हूँ उसमें लगाने के लिए। तो बहुत जाम होता है, जाता नहीं, हैमर मारना पड़ेगा उसको। तो ये अंदर तक जाता नहीं है, नहीं तो टाइट हो चुका होता। और भी इतना है, वो अंदर और भी मारना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो जो प्लेट लगा हुआ है, वो प्लेट और उसका जो शाफ्ट में जो होल है, वो थोड़ा इधर उधर हुआ है, थोड़ा बेंड हुआ है, इसीलिए ये जाता नहीं। अगर पूरा सेंटर में होता तो ये चला जाता, आराम से चला जाता। अभी जा रहा है, हो गया। खुदी घोड़ो को घोड़ो पड़े वो हार नाले तेरे जो